नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे दिलबहार कुल्फी। दिलबहार कुल्फी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं: दूध 1 लीटर, ड्राई मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून, शुगर 6 टेबलस्पून, छोटी इलायची 6 से 7 अदद, वेनिला या बादाम एसेंस 1/4 टीस्पून, बादाम या पिस्ता 50 ग्राम, खोया 250 ग्राम। तरकीब। सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर बॉईल कर लें। अब इसमें इलायची डालकर इसे लो मीडियम आंच पर 25 मिनट तक पका लें। अब इसमें छिला हुआ बादाम या पिस्ता काट कर या पीस कर इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पका लें। अब इसमें शुगर शामिल करें और मज़ीद 10 मिनट तक पका लें। अब इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालें और मिक्स करते जाएं ताकि इसमें गुठलियां ना बनें और मज़ीद 5 मिनट तक इसे पकने दें। अब आखिर में इसमें खोया और एसेंस शामिल करके इसे मज़ीद 5 मिनट तक पका लें ताकि खोया इसमें हल हो जाए। अब आप चूल्हा बंद कर दें और इस आमेदे को रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे एयर टाइट कुल्फी बॉक्स में डालकर टैप टैप करके इसकी एयर निकाल दें और ढक्कन लगा के इसे 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। मज़ेदार दिलबहार कुल्फी तैयार है। इसे अपनी फैमिली के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।